टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस रंग बिरंगी दुनिया में अगर कोई चीज बेरंग होती है तो उसे अक्सर लोग बोरिंग समझ लेते हैं, फिर चाहे कपड़ा हो या फिर इंसान का व्यक्तित्व। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो मामला थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो जानवर ऐसे होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि देखकर आपको मजा आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार से दिखने वाले इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी खूबसूरती के आगे सब फेल है भाई। लेकिन केवल खूबसूरत होने के अलावा भी इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। हाइड्रोमेड्यूसा। दोस्तों, मेडुसा एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में काफी कुछ बताया गया है। कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर था जो अगर किसी को घूर कर भी देख ले तो वो पत्थरों में बदल जाता था, और इसके सिर पर कई सारे जहरीले सांप मौजूद थे जो हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते थे। और इसी मॉन्स्टर के नाम पर एक हाइड्रोमेड्यूसा नाम का जीव पाया जाता है, जिसके सर पर सांप तो नहीं है लेकिन इसके शरीर में कई सारे टेंटिकल्स मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ही किसी के भी भैया पसीने छूट जाएं। वो तो भला इस जीव का, जो समुद्र में करीब 3.5 किलोमीटर की गहराई में ये पाया जाता है। और इस जीव को लोग पानी में रहने वाले मेडुसा के नाम से जानते हैं, और इस जीव की ट्रांसपेरेंट बॉडी समुद्र की इतनी गहराई में इन्हें दूसरे जीवों से बचाकर रखती है, और अपने लंबे टेंटिकल्स की मदद से ये अपने शिकार को जकड़कर उसे अपना भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहा तो ये भी जाता है कि इस जीव के शरीर में जहर पाया जाता है, लेकिन ऐसा होने की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई में रहने की वजह से वैज्ञानिकों को इन पर रिसर्च करने का ढंग से मौका ही नहीं मिलता। ग्लास विंग्ड बटरफ्लाई। दोस्तों, तितली चाहे जैसी भी हो वो सुंदर ही होती है ना, पर सुंदरता की सारी हदें पार करने वाली भी तितली इस दुनिया में मौजूद है। आप खुद सोचिए, अगर कोई तितली कांच की तरह बनी हुई नजर आए तो फिर कैसा लगेगा, जैसे कि वो तितली नहीं बल्कि सजावट का कोई सामान है। हम मजाक नहीं कर रहे भाई, ग्लास विंग बटरफ्लाई ऐसी ट्रांसपेरेंट तितली है जिससे आप अपनी नजरें नहीं हटा सकते। आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये असली है, लेकिन जब ये तितली उड़ना शुरू करती है तब पता चलता है कि अरे भैया, ये तो प्रकृति का अलग ही करिश्मा हो गया। असल में दोस्तों, इसके पंख कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहने वाले लोकल लोग इसे लिटिल मिरर के नाम से जानते हैं, जिसके पंख बिल्कुल शीशे की तरह नजर आते हैं। पर इनकी सबसे खास बात इनके उड़ने का तरीका है, क्योंकि ये दूर तक उड़ान भर सकती हैं, और उड़ते वक्त ये अपने वजन से 40 गुना ज्यादा वजन को कैरी कर सकती हैं, जो कि सच में कमाल है भाई। ग्लास ऑक्टोपस। अगर अजीब दिखने वाले जानवरों की बात की जाए तो ऑक्टोपस का नाम बिल्कुल टॉप पर आएगा भाई। और दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साल 2015 में फेबियन मेंशन नाम के फ्रेंच फोटोग्राफर जब समुद्र में 1000 मीटर नीचे डाइविंग कर रहे थे, तब उन्होंने ऑक्टोपस के बच्चों के एक ग्रुप को देखा जिनका साइज केवल 2 सेंटीमीटर तक था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि ऑक्टोपस के सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था ये ऑक्टोपस। असल में दोस्तों, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ऑक्टोपस को ग्लास ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है, जो 2000 मीटर की गहराई से लेकर 1200 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इतनी गहराई में सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, जिस वजह से अपने आप को शिकारी जीवों से बचाए रखने के लिए इन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया कि आप कोई चाहकर भी इनको देख नहीं सकता। मैक्रोमिना माइक्रोस्टोमा। दोस्तों, एक बहुत ही रेयर जीव है, और हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि आप लोगों ने आज से पहले इस मछली का नाम कभी नहीं सुना होगा। अरे भैया, सुनना तो बड़ी दूर की बात है, इसे देखनी अपने आप में बड़ी किस्मत की बात होती है, क्योंकि मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा नाम की ये मछली आखिर मतलब कहें कि इसकी जो तस्वीर ली गई थी आखिरी बार 2004 में ली गई थी, और तब से लेकर अब तक इस मछली को किसी ने नहीं देखा। वैसे तो इसके अस्तित्व के बारे में हमें 1939 से ही पता है, लेकिन इतने सालों से बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब ये मछलियाँ किसी को दिखाई दी। यही वजह है कि वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बावजूद इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि एक चीज मछली के बारे में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे हम इसकी आंखों को साफ साफ देख सकते हैं। और इससे ये भी पता चला है कि ये जो आंखें हम बाहर से देख रहे हैं ना, ये असली आंखें नहीं है, बल्कि ये तो शिकारी जानवरों को डराने के लिए होती है। मछली की असली आंखें तो इसके ट्रांसपेरेंट सिर के अंदर वाले हिस्से में मौजूद है। शार्पा एनोब्स्कर्ड। अब जरा आप एक और अनोखे जीव से मिल लीजिए, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। साउथ ईस्ट एशिया के आसपास के समुद्री इलाके में पाए जाने वाला स्क्विड अपनी प्रजाति के दूसरे भाई बहनों से बहुत अलग होता है। ग्लास ऑक्टोपस की तरह ये भी समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, इसलिए खुद को शिकारी जानवरों से बचाए रखने के लिए इस जीव ने अपने आप को इस तरह से इवॉल्व कर लिया, जहाँ शरीर के बहुत छोटे से हिस्से में चमक दिखाई देती है। उसके अलावा ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनकी आंखों के नीचे कुछ खास ऑर्गन मौजूद होते हैं जो इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट की एबिलिटी देते हैं, लेकिन इनका ट्रांसपेरेंट शरीर भी इन्हें शिकारी जानवरों से बचा नहीं पाता, क्योंकि स्पर्म वेल को इस जीव का शिकार करना बहुत पसंद है, जो बड़ी आसानी से इन्हें अपने चंगुल में ले लेती है।
येलो एमिसन जंपिंग स्पाइडर। हाँ, भले हमारी वीडियो में दिखाए जाने वाले दूसरे जीवों के मुकाबले इस स्पाइडर की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक स्पाइडर का इस तरह से दिखाई देना भी कोई मामूली बात थोड़ी ना है। इस अनोखे स्पाइडर को दुनिया के सबसे बड़े स्पाइडर में गिना जाता है, और इनके रंग को देखकर इन्हें नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी नजरें बहुत ही तेज होती हैं, पर इनकी जो स्पीड है ना वो बड़ी स्लो होती है यार। पर स्पीड धीमी होने के बावजूद ये स्पाइडर बहुत ही लंबी छलांग लगाने में माहिर है। वैसे तो ये स्पाइडर सिर्फ शिकार करने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन जब बारी खुद के शिकार होने की आती है ना, या कहेंगे खुद से बचने की, तो ये चल कूद करने में कोई गजर नहीं छोड़ते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पाइडर की दो नहीं बल्कि 8 आंखें होती हैं, क्योंकि सामने की तरफ दिखाई दे रही आंखों के अलावा इसके सिर के चारों ओर दो दो आंखें और होती हैं, यानी कि 360 डिग्री पर होने वाली हर चीज के ऊपर ये स्पाइडर नजर रख सकते हैं। साल्पा मैगियोर। अब दोस्तों आप इस जीव को देखिए जो किसी पिचकी हुई बोतल की तरह नजर आ रहा है। असल में साल 2014 को स्टीवर्ट फ्रेशर नाम के एक फिशरमैन जब समुद्र में मछलियां पकड़ने निकला वो, तो उसके हाथ में एक बहुत अजीब सा जीव लगा जो इतना ट्रांसपेरेंट था कि उसके आर पार देखा जा सकता था। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सैल्पा मैगियोर है, और ये मछली साउदर्न ओशन में पाई जाती है, जो बाकी मछलियों से ना सिर्फ अलग है बल्कि बहुत ही ज्यादा अनोखी भी है, जिसकी तादाद भले कम हो लेकिन इसे पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, और बहुत से लोग इन्हें एक्वेरियम में देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टॉर्टोइस शेल बीटल। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये पूरी तरह से तो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लेकिन इनके शेल, इनकी जो ऊपर वाली कवर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ताकि शेल के अंदर बने पैटर्न को बाहर से देखा जा सके, क्योंकि इनके जो अंदर वाले पैटर्न होते हैं वो शिकारी जीवों के लिए वार्निंग सिग्नल काम करते हैं, जो दिखने में काफी टेरिफाइंग लगते हैं। इसी वजह से शिकारी जीव इस कीड़े से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। वैसे तो इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अलग अलग तरह के पैटर्न बने होते हैं, और सबसे खास बात यह है कि पेड़ के पत्तों पर बैठे हुए जब इनके ऊपर आसपास के वातावरण का रिफ्लेक्शन होता है, तो इनके ये ट्रांसपेरेंट शेल इन्हें कैमोफ्लेज में भी मदद करते हैं, यानी इनका ट्रांसपेरेंट शेल इन्हें जानवरों से फुल प्रोटेक्शन देता है। ट्रांसपेरेंट जुवेनाइल सर्कमफिश। दोस्तों अगर आप लोगों ने फाइंडिंग नेमो नाम की एनिमेटेड मूवी देखी है तो आपको याद ही होगा, उसमें एक डोरी नाम का कैरेक्टर था जिसे भूलने की बीमारी थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। असल में दोस्तों ये सर्गुन फिश थी। वैसे दुनिया भर में इस मछली की 80 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत हैं और ब्राइट कलर की होती हैं। पर जब इनका जुवेनाइल स्टेज होता है, यानी कि जब ये मछलियां छोटी होती हैं, तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती हैं। 30 सेंटीमीटर तक की लंबाई वाली ये मछलियां बचपन से लेकर बड़े होने तक धीरे धीरे अपना रंग बदलती हैं, और दुनिया भर में इन्हें एक्वेरियम फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन खूबसूरत सी मछलियों के बिना कोई भी एक्वेरियम अधूरा रहता है भाई। घोस्ट श्रिम्प। अब दोस्तों इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा अजीब है। असल में दोस्तों ये एक ऐसा श्रिम्प है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ये जीव इंटरटाइडल जोन में गड्ढे बनाकर रहते हैं। असल में इंटरटाइडल जोन समुद्र के उस एरिया को कहा जाता है जहां समुद्र की लहरें कभी भी तेज हो जाती हैं तो कभी धीमी हो जाती हैं। मछलियों के लिए आसान शिकार होने के कारण कई बार इन्हें एक्वेरियम में रखने के लिए तो कभी मछलियों का भोजन बनने के लिए पकड़ा जाता है, जहां ये इतने कमजोर होते हैं कि इनसे छोटे साइज की मछलियां भी आसानी से उनको अपना भोजन बना लेती हैं, और इनकी जो पतली दुबली बॉडी है ना, उसकी वजह से लोग इन्हें स्केलेटन श्रिम्प के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिखाई जाने वाली ये शानदार जानवर काफी पसंद आए होंगे। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।